नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश और म्यूज़िक दुनिया सारेगामा का यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक ख़ास टॉपिक, मॉर्निंग रियाज कैसे करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए खास महत्वपूर्ण होने वाला है जो बिगिनर्स हैं, जो वोकल का अपना रियाज कर रहे हैं और वो कैसे करें उनको आइडिया नहीं है। तो एक छोटा सा आइडिया मैं आपको इन दो तीन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको देना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कारी को मैं अपना सा मान रहा हूँ और यहीं से हम रियाज करेंगे। तो रियाज का जो पैटर्न रहेगा उसमें दो तीन पैटर्न रहेंगे। पहले पैटर्न में हम भ्रमिंग करेंगे, हमिंग हमिंग समझ रहे, आप मुंह बंद रखेंगे केवल नाक से, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे, चार से पांच बार दोहराएंगे। आप जिसको आपने स्केल माना, अपना स्थाई सुर मान रहे हैं, सी शार्प नोट, जैसे कि मैं अपना मान रहा हूँ। उसके बाद हम ब्रमिंग को आप डाउन में करते जाएंगे, लगभग तीन चार सुर, यानी आप जहाँ तक जा सकते हो, मैं पा तक जाऊँगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे तार सप्तक के साथ तक। तो आइए चलते हैं, ये पैटर्न नंबर वन रहेगा हमिंग का। साथियों, हमिंग का जो पैटर्न रहेगा, ये एक पैटर्न रहेगा, इसमें आप दो तीन अलग अलग टाइप के पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे हमिंग सिर्फ। अब उसमें मतलब आप चार या पाँच मिनट सिर्फ हमिंग करेंगे सुबह में, शुरुआत करने से पहले। हमिंग करने के बाद फिर आप अपने जो शुद्ध स्वरों पर रियाज करेंगे। थाट पहला जो रहता है सारे गामा पा धा नि सा, सभी शुद्ध स्वरों पर, लेकिन उसमें खास बात ही रहेगी कि आप मंद्र सप्तक में पा तक जाएंगे। Shani Dha Pa Nisha Re
साथियों, जो पहला पैटर्न था वो अमिंग का था। अब जो दूसरा पैटर्न है सेम वही शुद्ध स्वर बोलेंगे। थाट्स आप ले सकते हैं लेकिन आप उच्चारण करेंगे सारे गामा पजानी साहब। तो ये हो गया पैटर्न नंबर दो। पैटर्न नंबर तीन में हम इनको आकार में बोलेंगे, यानी मुंह खुला रहेगा। अमिंग में मुंह बंद था, इसमें मुंह खुला रहेगा, मीडियम साइज में मुंह खोल के रखेंगे। तो साथियों, तीसरा पैटर्न ये था, आप हाकार में करेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहला पैटर्न था हमिंग का, आप शुद्ध स्वरों में या कोई भी थाट्स ले लेंगे। पहला थाट ले लेंगे, उसमें आप पा तक जाएंगे, सरती रहेगी, थोड़ा मंदर सप्तक में जाइए, उसके बाद उसको हमिंग में दोहराइए। आप उसमें अलग अलग थाट्स भी ले सकते हैं हमिंग में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन करेंगे हमिंग। जो पहला पैटर्न रहेगा हमिंग का रहेगा, वो लगभग 5 मिनट का अभ्यास रहेगा। सेकेंड पैटर्न आप शुद्ध स्वर आप आकार में बोलिए, आप जो सा है सा को सा की तरह से उच्चारण करिए, रे को रे, यानी उनको शब्दों के रूप में उच्चारित करिए, सारे गामा पदानी सा। उसके बाद जो तीसरा, ये भी 5 मिनट का पैटर्न रहेगा, इसमें कोई भी थाट ले सकते हैं आप, लेकिन यह शर्त रहेगी आप उच्चारित करिए उनको। तीसरा पैटर्न रहेगा वो आकार में रहेगा, मुँह खुला रहेगा, आप इसमें शब्दों को उच्चारित नहीं करेंगे, केवल उस स्केल को, केवल उस रेंज को फील करेंगे आकार में, ऐसे करके। अब इसमें जो आप एडवांस में जब आप करना चाहेंगे, तो एडवांस में आप जब हाकार में करेंगे तो आप उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, अलग अलग पैटर्न ले सकते हैं, जैसे मैं एक दो पैटर्न आपको बताता हूँ। पहला पैटर्न रहेगा वो सा पर स्थाई रहेंगे और सा के साथ बाकी अन्य स्वरों का रियाज करेंगे। जब सेकंड पैटर्न में आप रे के साथ स्थाई रहेंगे, बाकी अन्य स्वरों के साथ इसका रियाज करेंगे। ऐसे करके आप 12 के 12 स्केल पर ऐसे रियाज करेंगे, ताकि आपको पूरे के पूरे 12 या 7 मान लीजिए शुद्ध स्वरों को करिए, 7 के 7 स्वरों पर आप अभ्यास करेंगे सरगमों का, और लेकिन एक एक स्वर पर स्थाई रहेंगे, ताकि उससे आपको स्वर ज्ञान में वृद्धि होगी, आप एक एक स्वर को आइडेंटिफाई इजिली कर पाएंगे। जैसे
करके फिर नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा उसमें आप गा ले लेंगे, गा रे गा शा गा नी गा धा गा पा गा धा गा नी गा शा गा रे गा मा गा पा गा धा गा नी गाशा गाशा गानी गाधा गापा गामा गारे गाशा गानी गाधा गापा। तो इस तरह से आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आप अलग अलग अलंकारों का रियाज कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको पैटर्न बताए थे कुल 1 2 3 पहला हमिंग का, हमिंग में भी आप अलग अलग अलंकार ले सकते हैं, अलग अलग थाटों को ले सकते हैं। दूसरा जो था शब्दों का उच्चारित करके, तीसरा जो था हकार में, हकार में आप थोड़ा ताल को फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे सारे गामा पामा गारी सारे गामा पा पामा गारी सारे गामा पा सा पामा गारी सा अब वहीं से रिटर्न आएंगे। पैटर्न में आप हाकार में रियाज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद जय भारत।